गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 2, सिंपलीफाई एंड राइट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो क्वेश्चन दिया गया है इसको पहले सिंपलीफाई करना है, उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर आपका ए टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5। यहाँ देख रहे हैं बेस आपका डिफरेंट डिफरेंट है, पावर आपकी सेम है। हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और ये पावर आपकी सेम है तो 5 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 टू 6, अब 6 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ये बेस, ये एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। फिर इसी का बी पार्ट देखते हैं, 3 टू द पावर, हाँ बेटा अपलोड करेंगे, ठीक है। 3 टू द पावर 0 मीन्स ये आपका 1 होगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। ये आंसर आपका 1 हो गया, और 1 की पावर हमेशा 1 हाइड रहती, छिप रहती, लिखते नहीं है। सी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी है 6 टू द पावर 0 इंटू 2 द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर -3 है। अब देखते हैं 6 टू द पावर 0 मीन्स वैल्यू 1 होगी, ये 2 द पावर 3 होगा। यहाँ देख रहे हैं 3 की पावर -3 में है, पावर को प्लस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे। अब 3 की पावर 2 नीचे हो गई, ये प्लस में आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी 3 टू द पावर 3 ही 2 होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पावर आपकी डिफरेंट डिफरेंट है तो हम यही आंसर भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 और 2 द पावर 3। या इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 8 हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक लिख, इसको भी आंसर कर सकते हैं और इसको भी आंसर कर सकते हैं। 3 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इसको, अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है। दिख रहा है बेटा सबको, स्टूडेंट्स दिख रहा है, गुड। नोट कर लीजिए, यहाँ एक मिनट थोड़ा रुकिएगा, यहाँ पर आपका -3 थी, मैंने 2 कर दिया था, यहाँ 3 टू द पावर 3 ही रहेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 3, ऐसे ही रहेगा। तब हाँ बिकॉज यहाँ थोड़ा एडिट कर लीजिएगा, मैंने यहाँ 2 लिख दिया था बट यहाँ पर -3 ही था, क्वेश्चन से मिस्टेक हो गया था। नोट हो गया ये, ओके। क्वेश्चन ये सी वाला एडिट कर लीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बताने चल रहे हैं, ध्यान से देखना आप लोग। डी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, 2 द पावर 0 प्लस 4 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना आप लोग। 2 की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। 4 की पावर 0 है, वैल्यू 1 आएगी डिवाइडेड बाई 2। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वैल्यू 1 ही आती है। 1 + 1 ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2। अब डिवाइड करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, कैंसिल होकर कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। ये आंसर हो गया। अब इसी का हम पार्ट देखते हैं नेक्स्ट, ई पार्ट देख लीजिए, 2 की पावर -4 9 की पावर 3 इंटू 4। ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा ये पावर निगेटिव में, इसको प्लस में चेंज करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1/2 द पावर 4 इंटू, अब ये 9 लिखा है तो 9 को हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 की पावर 2 होल टू द पावर 3। ऐसे करेंगे इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 मतलब क्या होता है, 4 होगा, और 3 की पावर 2 मीन्स 9 होल टू द पावर 3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 इसको इधर लाते हैं, ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, नीचे 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जब ओपन करेंगे तो 3 की पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, देखते हैं सॉल्व करते हैं बेटा।
अपान वन हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये सिंपलीफाई और करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस फोर को ऊपर लाएंगे। जब फोर क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को क्या? अच्छा अच्छी बात है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, देख रहे हैं टू की पावर ये हो जाएगा टू की पावर टू इंटू थ्री टू दी पावर सिक्स अपान टू दी पावर फोर। ठीक है, यह टू दी पावर फोर है, यहाँ पर टू की पावर फोर। अब सिंपलीफाई करेंगे इसको, ये ऊपर आएगा तो यहाँ पावर माइनस में आएगा, प्लस हो जाएगा, तो टू की पावर टू और इंटू टू की पावर माइनस फोर इंटू थ्री की पावर सिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है तो टू माइनस फोर इंटू थ्री की पावर सिक्स हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू दी पावर टू की पावर माइनस टू इंटू थ्री की पावर सिक्स, ये आंसर हो जाएगा। बोलो बोलो बेटा, वन अपान 24 कैसे आया? ये वो मैंने 24 तो मैं कहीं लिखा ही नहीं। जो ऊपर लिखे हैं, एक मिनट देखते हैं 24 कहाँ आ रहा है। ये नहीं, ये 2 की पावर 4 है बेटा, 24 तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं इसमें। ये 2 की पावर 4 ऊपर है ये, ठीक है, ये भी 2 की पावर 4 ऊपर है। समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या नोट हो गया? क्वेश्चन इरेज कर दें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको करना है, ठीक है, जी भी आपको करना है, हम एच बताते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर टू का एच पार्ट देखते हैं, माइनस सेवन टू दी पावर थ्री डिवाइडेड बाई माइनस सेवन टू दी पावर सिक्स इंटू माइनस सेवन टू दी पावर फाइव। ठीक है, हर जगह बेस इक्वल है, सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं। सबसे पहले आपका डिवाइड होगा, ये देखिए डिवाइड का सिंबल है, बेस आपका सेम है। डिवाइड में पावर क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, तो पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सेवन टू दी पावर थ्री माइनस सिक्स इंटू माइनस सेवन टू दी पावर फाइव। अब पावर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो माइनस सेवन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस थ्री इंटू माइनस सेवन टू दी पावर फाइव। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है तो बेस आपका सेम है, यहाँ भी माइनस सेवन बेस इक्वल है, तो पावर क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे। पावर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सेवन, अब देख रहे हैं ये माइनस थ्री प्लस फाइव है तो माइनस हो जाएगा, कितना आएगा टू आएगा। ठीक है, अब ये जो देख रहे हैं ये माइनस है, अगर पावर इवन रहेगी तो ये माइनस हट आएगा, इसलिए सेवन की पावर कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताएंगे अब। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिएगा, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। पार्ट ए इसका है 2 की पावर माइनस सिक्स माइनस फाइव टू दी पावर जीरो इंटू टू की पावर फाइव। ध्यान से देखना है, अब ये आपका जो 6 टू दी पावर यहां पर लिखा गया है 5 टू दी पावर 0, इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी 1। ठीक है, तो पहले हम पावर को सॉल्व करते हैं, 2 की पावर माइनस सिक्स ऐसे ही रखते हैं, माइनस 5 की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 1, और 2 की पावर यहां पर 5 हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर आपका नंबर है
ये 2 की पावर माइनस 6 ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया आपका। अब सॉल्व करते हैं, 2 की पावर माइनस 6 है, माइनस 2 की पावर 5 है। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ बोल रहा था अभी, किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है? कि लास्ट में जो दो लोग ऐड हुए हैं इनको टाइम पर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। आप लोग बेटा टाइम पर क्लास ज्वाइन करो। लेफ्ट हो गए। सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये देखते हैं 2 की पावर 6 है, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। ये हो जाएगा, जब इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 6 प्लस में आएगा माइनस 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 5 मींस अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 32 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 32। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ 2 की पावर 6 है तो इसको हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो आपका ऐसे कुछ आएगा 1 अपॉन 64 माइनस 32 अपॉन 1 हो जाएगा ये। अब सिंपलीफाई करते हैं, देखते हैं, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, साइड में लिख दे रहे हैं। 64 और 1 कैल्सियम 64 आएगा, 64 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा माइनस, अब यहाँ पर 31 इंटू 64 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को तो 31 इंटू 64, 4 वन जा 4, 3 फोर जा 12, 6 वन जा 6, 6 थ्री जा 18, तो 4891 तो आपका आएगा 1 माइनस 1984 अपॉन 64। अब इसको माइनस करके यहाँ लिखते हैं, जब माइनस करेंगे तो माइनस, पहले तो माइनस में ही आंसर आएगा, 4 से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 891 अपॉन 64 ये आंसर आएगा आपका। साइड में दिख रहा है जो मैंने लिख दिया इधर, नहीं दिख रहा है? हाँ, जिसकी पावर जीरो होती है बेटा उसकी वैल्यू वन ही होती है। 5 की पावर जीरो वैल्यू वन होगी, 2 की पावर जीरो वैल्यू वन होगी, 3 की पावर जीरो वैल्यू वन होगी। किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो होगी तो वैल्यू वन होगी। बेटा जब आप लोग अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वहाँ पर आपको पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ना, वहाँ पर बताएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यू जीरो क्यों होती है। इमेज क्लियर जा रही है? ठीक है, चलो इरेज करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का है बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। एट इंटू टू दी पावर माइनस 3, 5 की पावर 0। आप लोग नोट मत करना, पहले देख लेना, सॉल्व करना है, ठीक है, इधर ध्यान से। तो ये 8 है, 8 को ऐसे ही रखते हैं, 2 की पावर 3 माइनस में है, ऊपर इसको नीचे भेज देते हैं, 2 की 3 पावर प्लस में हो जाएगी इन टू, सॉरी माइनस है, 2 की पावर 6 है, 2 पावर की पावर 6 का मतलब होता है 64 प्लस 5 की पावर 0 है। हाँ बोलो,
की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर निगेटिव था, इसको हटाने के लिए इसको हम 1/5 में भेज देंगे, जब नीचे भेजेंगे ये पावर प्लस में चेंज हो जाएगी। नहीं होगा, नहीं होगा, अगर इसको फिर ऊपर भेजेंगे तो माइनस में ही आएगा, नीचे रहेगा तो प्लस में रहेगा। ध्यान से देखना, 8 है, 8 हो जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 है ना, तो फिर कितना होगा, अब 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 2 2 जा 4, ये 8 हो जाएगा, माइनस 64 है, ये 1 है, तो 64 प्लस 1 हो जाएगा। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सामने बचेगा 1, 64 प्लस 1, अब देखते हैं ये आपका 1 है, ये भी 1 है, तो ऐड होकर 2 हो जाएगा, 2 माइनस 64, अब माइनस कर लेंगे कितना होगा, तो माइनस 62 होगा। इसी का सी पार्ट, सी पार्ट आप लोग करेंगे, डी देखते हैं, पूछना है सी, बताना है हमको, ये कर लेंगे आप लोग, सॉल्व करना, ठीक है। आप लोग आंसर मैच कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आंसर राइट करने में मिस्टेक हो जाती है, तो आंसर मैच कर लीजिएगा, किसी का आंसर अब डिफरेंट आ रहा होगा तो बता देना, उसको हम करेक्ट करवा देंगे, ठीक है। बट कंटिन्यू देखना आप लोग, क्वेश्चन लिखने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। यहाँ देखिएगा, जैसे अभी 1 की पावर 2 है, तो जब 1 की पावर 2 है तब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 की पावर अगर कुछ भी हो तो आंसर आपका 1 ही आता है। 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 7 की पावर 2 है तो 7 7 जा 49 हो जाएगा। 2 की पावर 4 है तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 है, इसको ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 16। अब ऐड कर लीजिए सबको, आंसर आएगा तो ऐड करेंगे, कितना आएगा यहाँ पर 50, और ये ऐड करेंगे 20, तो आपका 70 आएगा आंसर। क्या समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाकी के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना, आंसर मैच जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि थैंक यू वेरी मच।